अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे दम चिकन। उसके लिए मैंने एक चिकन लिए, उसके 12 पीस करवा लिए थे। तो एक पूरी चिकन लिए, इसमें देखा अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, फिर लाल मिर्च पाउडर ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें 1/2 टी स्पून, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून जीरा और धनिया कुटा और भुना हुआ, ये 2 टेबल स्पून है। और इसमें दही जाएगा ये 1/2 कप से ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे दही फेंट लेंगे, अदरक लहसुन कुटा हुआ और ये सारे मसाले। ये देखिए जी, ये मैंने अच्छा से मिक्स कर दिया है, इसको मैं आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। देखिए जी, ये हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, इसको 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसकी ग्रेवी के लिए बता देती हूँ आपको। ऑयल जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून डालूंगी मैं। 2 मैंने प्याज लिए, उसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, और 2 इंच के अदरक उसके स्लाइस कर लें, ये जाएगा इसमें। और तेजपात 3 लिए मैंने, और ये 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी मैंने ये काली मिर्च ली है 1/2 टी स्पून, 3 से 4 लौंग है, और 1/2 टेबल स्पून जीरा। तो ये बघार में जाएगा, और आखिर में मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया, 1 हरी मिर्च, ये बहुत तेज़ होती है, और थोड़ा सा गरम मसाला आखिर में डालूंगी जी। मैं पैन गरम कर रही हूँ, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ये वाले मैंने 2 डाले, तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें डालूंगी तेजपात और ये सब चीजें। मैं इसमें डाल दूंगी अदरक, ये अदरक को थोड़ा सा नरम कर लिया हमने। अब इसमें डालूंगी प्याज, प्याज को भी हमें सौते करना है। ये 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भुना है, ये नरम हो गई है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। ये देखिए जी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको साफ कर लिया है बोल को, ये मैंने इसमें डाल दिया है। मैं इसे मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, ये पक रहा है, मैं इसे ढक के हल्की आंच पे पकाऊंगी 10 से 15 मिनट तक, दम से ऊंची वाली आंच पे पकाऊंगी। देखिए जी, हम 15 मिनट के बाद इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए, कितना पानी इसका निकला है वो चिकन का। मैं आज टेस्ट करके इसे भून लूंगी। प्याज चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं ज्यादा इसे नहीं पकाऊंगी, इसे आज टेस्ट करके भून लूंगी। क्योंकि मैं अभी धनिया और हरी मिर्च वगैरह ऊपर से डाल के 5 मिनट में और दम कर दूंगी। देखिए जी, मैं अभी इसे भून रही हूँ, ये अभी भून रहा है, बस ये होने वाला है। अदरक और प्याज जो हमने डाली थी वो बिल्कुल मिक्स नहीं होगी, तो वो थोड़ा हल्का हल्का नजर आएगी। धनिया को और हरी मिर्च को मैंने काट के पानी में भिगो दिया है। देखिए, पानी ड्राई हो गया है, अब मैं 8 धीमी करके इसमें ये सब चीजें डाल दूंगी। डाल के मैं मिक्स कर दूंगी। और ये गरम मसाला ये भी डाल दूंगी। ये
देखे, अब मैं इसको धीमी आंच पे करके 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे दम पे लगाऊंगी। चिकन हमारी गली हुई है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में इसे दम पे दूंगी फिर निकालूंगी। तो देखिए हम खोल के देखते हैं चिकन को, ये हमारी रेडी है। इसे मिक्स कर देती हूँ, मैं इसमें एक बॉल रखूंगी। इसमें मैंने कोयले डाल दिए, अभी को थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं कवर कर दूंगी और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसे खोलूंगी, मिक्स कर दूंगी और मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। डाल दिया है और उसमें मैंने धनिया डाल दिया है, ये देखें। और इसमें मैंने आलू पनीर डाली थी जो कि बहुत स्पाइसी होती है, तो आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा, रेगुलर मिर्ची डाल लीजिएगा, मिर्ची वगैरह आप अपनी मर्जी से डालिएगा। और ये बनाएगा, बताएगा जरूर कि कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा मेरी यूट्यूब पे, और मेरी वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा, कुकिंग विद सैर सैयद। और वेबसाइट भी है, उसे भी देखिएगा, cookingwithsairsaiyed.com। वहाँ पे भी काफ़ी सारी वीडियो है, रेसिपी है। तो ये बनाइएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का, लाइक का इंतज़ार रहता है, और दुआ में याद रखिएगा। और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह।